रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पंपलेट, हो गया हंगामा। गोरखनाथ मंदिर में घेरने जा रहे थे सांसद, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। सांसद महेश शर्मा का आदमी हूँ, मेरी एफआईआर नहीं लिख सकते तो थाने में ताला लगा दो। अब खबरें विस्तार से। बांट रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पंपलेट, हो गया हंगामा। नई दिल्ली गाजियाबाद 8 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर कई जगह पंपलेट बांटे जा रहे हैं। इन पंपलेट में बीजेपी की उपलब्धियां मनाई जा रही है। इन्हीं पंपलेट को बांटने के दौरान वैशाली मेट्रो स्टेशन पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी के कुछ तथाकथित कार्यकर्ताओं को जब मेट्रो स्टेशन के स्टाफ और सिक्योरिटी ने जबरन पंपलेट बांटने से रोका तो उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने हंगामा किया। और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीजेपी के ही तथाकथित कार्यकर्ता एक मंत्री की धौंस दिखाते हुए भी सुनाई पड़ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में घिरने जा रहे थे सांसद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नई दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोरखपुर में एक सांसद को जमकर पीटा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गोरखपुर लोकसभा सीट के सांसद प्रवीण निशान की पिटाई की है। सांसद प्रवीण अपने समर्थकों के साथ निशान बिरादरी को एससी कैटेगरी का आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे थे। दरअसल सड़क पर उतरी निशांत राज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गोरखपुर पुलिस ने आज जमकर लाठीचार्ज बरसाई है। नई दिल्ली नोएडा गौतम बुद्ध नगर के इलाके में सेक्टर 20 थाने के अंदर एक शख्स ने जमकर बवाल किया है। शख्स खुद को स्थानीय सांसद महेश शर्मा का आदमी हूँ बता रहा था। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 20 थाने में एक व्यक्ति आया और एआई से उसका प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। व्यक्ति ने बताया कि किसी से एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन उसने शख्स ने खुद को फ्लैट की रिसील कर दिया और यह इस तरीके से वह बात करता रहा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक